जिले में हुए जिला परिषद और पंचायत उपचुनाव में एक बार फिर मंत्री सुनील केदार असरदार नजर आए, तो वहीं भाजपा ने अपनी पूरी ताकत तथा साम दाम दंड भेद की नीतियों के साथ ही आरोप प्रत्यारोपों के दौर चलाकर भी मतदाताओं को रुख अपनाने और खींचने में असमर्थ रहे। सागर तहसील कार्यालय के प्रांगण में उप विभागीय अधिकारी अतुल मेत्री, तहसीलदार प्रताप वाघमारे आदि की उपस्थिति में सुबह 10 बजे हुई मतगणना में केलवत जिला परिषद से कांग्रेस प्रत्याशी तथा जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे की पत्नी सुमित्रा कुंभारे के 8,802 मत तो भाजपा की संगीता मुलमुले 7,564 मत प्राप्त हुए। चुनाव अधिकारी ने सुमित्रा कुंभारे 1,338 मतों से विजयी घोषित किया। वहीं वाकुड़ी जिला परिषद हेतु संपन्न उपचुनाव में भाजपा के आयुषी धपके 6,009, कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति सिरस्कर 8,653, निर्दलीय वैशाली हिरवाले 228 तथा नोटा 217, कांग्रेस की ज्योति सिरस्कर 2,644 मतों से विजयी घोषित की। वही तालुका के 3 पंचायत समिति में वाघोड़ा से कांग्रेस की ममता केसरी विजयी हुई। नांदा पंचायत समिति से कांग्रेस के गोविंदा ठाकरे 4,367, भाजपा के बल्कि मानिक को 3,409 प्राप्त हुए, जहां कांग्रेस के गोविंद ठाकरे को विजयी घोषित किया। बड़ेगांव पंचायत समिति सीट से भावना अरुण चिकले कांग्रेस 3,664, जयश्री सुधीर चौधरी भाजपा 2,869 मत प्राप्त हुए, जहां कांग्रेस की भावना चिकले को 800 मतों से विजयी घोषित किया। चुनाव के नतीजे घोषित होते ही जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, वारे पंजा आज्ञा पंजा के नारों से परिसर गूंजने लगा। वही भाजपाइयों ने अपनी हार मानने में ही भलाई समझी। संपूर्ण जिले से प्राप्त नतीजे ने एक बार फिर मंत्री सुनील केदार का असर तथा ग्रामीणों में उनकी पकड़ दिखाई दी। पहले तो सुनील केदार का विजय, नंतर महिलांचा विजय, बिल्कुल विकास होणार आहे, पंचायत समितीचा पण होणार आणि जिल्हा परिषदचा पण होणार, कारण सुनील बाबूंनी लोकांवर विश्वास टाकलेला आहे। जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये जो हा एकतर्फी विजय झालेला आहे, हा विजय आदरणीय मंत्री सुनील भाऊ केदार यांच्या नेतृत्वामध्ये ज्या निवडणुका झाल्या आणि कोरोना काळामध्ये तळागाळामध्ये सर्वसामान्य लोकांचे त्या ठिकाणी कामं केले, लोकांची गर्दी ते त्या ठिकाणी कोरोना काळामध्ये सेवा केली आणि सातत्यानं शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्या ठिकाणी मार्गी लावण्याचं काम, शिक्षित बेरोजगारांचे मार्गी लावण्याचं काम, मग शेतमजूर असो की शिक्षित बेरोजगार असो। BCN न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडुले की रिपोर्ट।